का अपने मजहब की पैरवी करने का, तो वो हमारे आईनी हक में, हमारे फंडामेंटल राइट में अपना टांग ना अड़ाए। उन्हें मुल्क की हुक्मरानी दी गई है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, मुल्क के लोगों के लिए काम करना है। मुस्लिम वुमेन के अपलिफ्टमेंट की वो बात करते हैं, तो वो उन्हें बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं? वो हमारे शरई मामलात को निशाना बनाकर मुसलमानों पर वार क्यों कर रहे हैं? उन्हें जिस काम के लिए मुतय्यन किया गया है उसी काम पर तवज्जा दें, वरना उनकी हुकूमत इस मुल्क में बाकी ना रहेगी। हर उरूज का एक जवाल होता है, अगर आपने अपने हरकतों से बाज ना आए तो आपका जवाल कहीं ऐसा ना आए कि आप नीस तो नाबूद हो जाए। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। तो जान लीजिए कि आपको मुल्क की हुक्मरानी दी गई है, मुल्क के लोगों के लिए काम करें, मुल्क के लोगों के साथ इनक्वालिटी ना करें। हमारी जो कौम है, हमारे जो मुसलमान लोग हैं, वो माइनॉरिटी में जरूर आते हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीयत से, उन्हें अपने मजहब से इतनी मोहब्बत है कि वो उसमें किसी की भी मुदाखलत मंजूर नहीं कर सकते। और आपने उन्हें अगर जरा भी छेड़ने की कोशिश की तो हमारी मुस्लिम माएं और बहनें सड़कों पे उतर के ये दिखाने के लिए आज तैयार हैं कि देखिए हमारे अंदर कितनी ताकत है और हमारे मजहब ने हमें कितनी आजादी दी है। आज उन लोगों के मुंह पे तारे लग जाएंगे जो ये क्या करते थे कि मुसलमान तो अपनी औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करके रखता है। देखिए, आंख खोल कर देखिए इतने बड़े मजमे को और जरा अपने मुंह पे तारा लगा लीजिएगा कि मुसलमान अपने मुल्क के लिए, मुसलमान अपने मजहब के लिए क्या कर सकता है। सभी का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थैंक यू सो मच।